हेलो स्टूडेंट्स, हमारी कल की क्लास में हमने सेंटेंसेस स्टार्ट किए थे जिसमें हमने सबसे पहले देखा था सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? वो था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट था। हमने कल सब्जेक्ट के लिए क्या बताया था? जो एक्शन कर रहा है या फिर जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट है। फिर हमने वर्ब के लिए क्या बताया था? जो एक्शन या जो काम हो रहा है वो हमारा वर्ब, और जिस पर काम हो रहा है वो था हमारा ऑब्जेक्ट। तो कल हमने ये सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर कवर किया था। उसके बाद हमने जो पॉइंट स्टार्ट किया था या फिर जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो थे हमारे क्लॉजेस। ठीक है, तो क्लॉजेस, कल हमने क्लॉजेस की डेफिनेशन देखी थी। क्लॉजेस क्या थे? इट इज मेड, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसमें हमने इसके दो टाइप्स देखे थे। पहला था हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, पहला है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इसका दूसरा टाइप क्या था? इसका दूसरा टाइप था डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज, आज हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों को डिटेल में स्टडी करना है। तो हम लोग दोनों को साइमल्टेनियसली शुरू करते हैं। अगर हम पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज करें और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज करें तो उतने अच्छे से नहीं समझेगा जितना अगर हम उसे साइमल्टेनियसली लें तो आपको ज़्यादा बेटर समझेगा। तो हम लोग को साइमल्टेनियसली लेते हैं। पहला हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा टाइप क्या है? दूसरा है डिपेंडेंट क्लॉज। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद उसके एग्जांपल देखेंगे तो ये समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है? इट इज मेड अप ऑफ और इट कंटेन्स ग्रुप ऑफ वर्ड दैट आर लाइक सब्जेक्ट और वर्ब। इट मे बी सब्जेक्ट और इट मे बी वर्ब। हम डेफिनेशन देते हैं, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन सब्जेक्ट वर्ब, या सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब, जैसे हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हमने जो कल देखा था उस हिसाब से। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होगा? इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ words that contain subject plus verb। अब आप बोलोगे या फिर आप सोचोगे कि अगर दोनों की डेफिनेशन सेम है तो दोनों में डिफरेंस किस तरह का है? तो उसका डिफरेंस है, हम देखेंगे हमारे सेकंड पॉइंट में कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर डेफिनेशन सेम है तो ये दो टाइप्स कैसे हुए? ये तो एक ही टाइप होना था, लेकिन इसका डिफरेंस है। देखो, हमने क्या बोला कि इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, लेकिन इसका डिफरेंस ये है, इट मेक सेंस बाय इट ओन। और इसका है, इट डजंट मेक, it doesn't make sense by its own। इस पॉइंट का मीनिंग समझा आपको? इसका मीनिंग ये है कि जब इंडिपेंडेंट क्लॉज अकेला होता है, मतलब एक सेंटेंस होगा अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज का वो सेंटेंस है तो वो खुद में ही खुद को कंप्लीट करता है। मतलब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज का जो सेंटेंस होता है वो खुद में ही खुद को मीनिंगफुल बनाता है, उसे किसी और स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो खुद में खुद को पूरा नहीं करता, मतलब वो खुद में मीनिंगफुल नहीं होता है। उसे खुद को पूरा करने के लिए या फिर खुद को मीनिंगफुल बनाने के लिए उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। ठीक है, इट डजंट मेक सेंस बाय इट्स ओन
बट इट नीड्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज टू बिकम कंप्लीट. समझ में आया आपको? हम लोग स्टार्टिंग से देखो, हमने क्या देखा, क्लॉज देखा. क्या था क्लॉज? वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है. उसमें क्या देखे हमने? दो टाइप्स देखे. पहला हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज देखा और दूसरा हमने देखा डिपेंडेंट क्लॉज. लेकिन हमने ये देखा कि दोनों के डेफिनेशन तो सेम है, कि दोनों भी ग्रुप ऑफ वर्ड से बनते हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? वो ये था, इट मेक सेंस बाय इट्स ओन. मतलब जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसे खुद को मीनिंगफुल बनाने के लिए किसी और सेंटेंस की जरूरत नहीं होती, वो खुद में खुद को कंप्लीट करता है. लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज का ये पॉइंट क्या है, उसमें क्या बताया है कि उसे खुद को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है. हम लोग इसके एग्जांपल देखते हैं. हम इसके एग्जांपल दोनों को साइमल्टेनियसली देखते हैं, एग्जांपल को. ठीक है, एग्जांपल को हम साइमल्टेनियसली देखेंगे. एग्जांपल, इसका पहला एग्जांपल देखते हैं हम. जिया सिंग अ सॉन्ग. मैं आप पहले एग्जाम्पल लिख देती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ. ठीक है, ही वेंट टू स्कूल. ठीक है, हम लोग इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं. बिकॉज शी इज हैप्पी अल्दो he doesn't like studies. तो ये हमने दोनों के एग्जाम्पल दिए. अभी आप जैसे हमने सेंटेंस बताया था कि इट मेक्स सेंस बाय इट्स ओन, मतलब वो खुद में ही खुद को पूरा करता है. तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए. हमारा पहला एग्जाम्पल है जिया सिंग अ सॉन्ग, मतलब जिया गाना गा रही है. तो ये सेंटेंस खुद में खुद को कंप्लीट हुआ है. इसका सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ही वेंट टू स्कूल, मतलब वो स्कूल जा रहा है. हो गए दोनों सेंटेंस कंप्लीट. लेकिन अभी आप इस सेंटेंस को गौर कीजिए, बिकॉज शी इज हैप्पी, क्योंकि वो खुश है. ये कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बना है? क्यों खुश है या फिर उसकी खुशी का रीजन क्या है, वो तो उसने कुछ भी नहीं बताया सेंटेंस में. मतलब ये सेंटेंस जब वो इंडिपेंडेंट क्लॉज के फॉर्म में है तो इनकम्प्लीट है हमारा सेंटेंस. इसका सेकेंड देखिए एग्जाम्पल, ऑल्दो ही डजंट लाइक स्टडीज, जबकि उसको पढ़ना पसंद नहीं है. इसका भी खुद का कुछ मीनिंग बनानी है इस सेंटेंस का, ये खुद भी इनकम्प्लीट है. लेकिन अब एक सेंटेंस को हम एक इसको इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को कंबाइन करते हैं. हमने क्या कहा था कि डिपेंडेंट क्लॉज को खुद को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है. तो हम इसको इसके साथ कंबाइन करके देखते हैं कि वो कंप्लीट होता है या नहीं. देखिए, जिया सिंग अ सॉन्ग बिकॉज शी इज हैप्पी, हुआ सेंटेंस कंप्लीट. और इसको कंप्लीट होने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, उसे किस खुद को मीनिंगफुल बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ी, उसे जरूरत पड़ी इंडिपेंडेंट क्लॉज की. ये हमारा सेंटेंस हमने प्रूफ करके दिखाया कि उसे खुद को मीनिंगफुल बनाने के लिए और खुद को कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की. इसका सेकंड सेंटेंस हमने सेकंड एग्जांपल की दिया, ऑल्दो ही डजंट लाइक स्टडीज, जबकि उसे पढ़ना पसंद नहीं. तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, ही वेंट टू स्कूल ऑल्दो ही डजंट लाइक स्टडीज. मतलब वो स्कूल गया लेकिन उसे पढ़ना पसंद नहीं है, जबकि उसे पढ़ना पसंद नहीं है. ही वेंट टू स्कूल ऑल्दो ही डजंट लाइक स्टडीज. ठीक है, आपको समझ में आया कि हमने क्या बोला था, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में क्या बोला था, कि इंडिपेंडेंट क्लॉज खुद में खुद को कंप्लीट करते हैं, लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज को खुद में खुद को कंप्लीट करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है. तो हमने अभी क्लॉजेस के बारे में देखा था. अब हमारा जो मेन टॉपिक है सेंटेंसेस, हम उसके मेन जो पार्ट है उसके तरफ चलते हैं. ठीक है, तो हमें वैसे तो बेसिकली हमारे सेंटेंसेस के चार टाइप है जो आपने देखे भी है और पढ़े भी है. पहला होता है हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. लेकिन इन चार सेंटेंसेस को पढ़ने से पहले हमें इसके पहले भी सेंटेंसेस को पढ़ना है. सेंटेंसेस के और भी टाइप है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जिसमें होता है सिंपल सेंटेंस,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, ये सेंटेंसेस के जो टाइप है हमें इनके बारे में भी स्टडी करना है. अदर देन दैट फोर, मतलब हमें और कौन से सेंटेंसेस के टाइप पढ़ना है. सबसे पहले हमें देखना है कि सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं. सिंपल सेंटेंस के बाद हमें ये देखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने के बाद हमें कंपाउंड सेंटेंस के बारे में पढ़ना है. कंपाउंड सेंटेंस. लेकिन हाँ, इनको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात याद रखनी. हाँ, लेकिन ये देखने से पहले, कल हम जब इनके बारे में हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी कि आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमें इन सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए इन दोनों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. जब हम इन्हें पढ़ेंगे, हम जब इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बात करेंगे, तो आपको क्विकली आपके माइंड में आना चाहिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या थे और डिपेंडेंट क्लॉज क्या थे. आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. जैसे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे या फिर हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपको क्विकली याद आना चाहिए कि हमें ये देखना है कि वो क्या थे. तो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में ये सेंटेंसेस कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद हमारे जो मेन फोर टाइप्स है, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी, जो भी है, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक यू फॉर टुडे.